हमारे साथ, मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होगा वो हमें नहीं पता है। सो हमें डर है, हमें घबराहट होती है, बिकॉज फियर ऑफ अननोन सबको होता है। और हम जब मृत्यु की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो जो हम काम नहीं कर पाए होते हैं अपनी जिंदगी में, वो भी हमें ऐसा लगता है कि हमें करना चाहिए था, और जो कर चुके होते हैं उसके लिए हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। सो आइडियली जब हम मृत्यु की तरफ जाते हैं, आइडियली जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो हम फियर कॉन्शियसनेस से हमें डेथ को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम फियर से डेथ को अपनाएंगे तो वो कंप्लीटली हमारे नेक्स्ट कुछ लाइफ टाइम्स को इफेक्ट करना स्टार्ट करेगा। और यही हम अगर एक प्लेस ऑफ कंटेंटमेंट, जिन्होंने भी हैंड रेस किया है, थोड़ी सी मैं शेयरिंग करूंगी, उसके बाद हम क्वेश्चंस के लिए ओपन करेंगे। सो आप पेशेंटली थोड़ा वेट करें। सो जब आप मृत्यु को प्राप्त हो रहे होते हैं तो आपके मन के विचार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। योर डाइंग थॉट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डाइंग थॉट्स जो है वो बेसिस बन जाते हैं आपके अगले या उन और दो तीन लाइफ टाइम्स के। तो जब आप मर रहे हैं तो रिग्रेट के साथ और डर के साथ, और हे भगवान मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रही है, मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे ये फियर साइकोलॉजी से हमें निकलना है। और इसका एक ही रास्ता है, वो है मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन हमें वो शक्ति प्रदान करता है यह देखने की कि हम शरीर नहीं है, हम शरीर से कहीं ज्यादा है, हम शरीर से बहुत बड़े हैं, हम शरीर से बहुत ज्यादा, और हम निरंतर हैं, वी आर इमॉर्टल्स, हम ऑलवेज अलाइव रहते हैं। सो ये जो मेडिटेशन से हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है उसको हमें अपने साथ रखना है। और स्पेशली व्हेन वी आर डाइंग, जब हम हमारे मृत्यु समय में होंगे, तो एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए, फियर नहीं होना चाहिए। और जैसे हम किसी एक नए एक्सपीरियंस की तरफ जाते हैं, एक नए ट्रिप पे जाते हैं, तो बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, एक बच्चे की तरह होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम ये भी अपने साथ रख ले, वो भी अपने साथ रख ले, हम बहुत सारी चीजें अपने साथ रखकर लेकर जाते हैं, और हमें नए नए कपड़ों की शॉपिंग करते हैं। तो वो उसी फीलिंग के साथ हमें जो है अपनी मृत्यु की तरफ बढ़ना है, कि एक नया एक्सपीरियंस हमारे सामने आने वाला है, एक नई दुनिया जो है वो हमारे सामने आने वाली है, और एक नया जो अनुभव हमारे सामने आने वाला है। और जो भी मैंने जिंदगी जिया, और ये आप तभी कर पाएंगे अपने मृत्यु के समय में, आप तभी ये सारी चीजें कर पाएंगे जब आपने अपनी जिंदगी पूरी तरह से जी हो, जब आपने जिंदगी जो है वो पूरी तरह से 100% आपने हर एक पल को जिया हो, तभी आप बिना रिग्रेट्स के, बिना फियर के, बिना कोई भी जो है गिल्ट के आप शरीर छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपने हर मोमेंट जो आपको करना चाहिए था आपने करा, जो आपको महसूस काम करना चाहिए था आपने करा, जो महसूस करना चाहिए था आपने किया, जिस तरह से अपने परिवार के साथ आपने आपको जीना चाहिए था आपने जिया, जो जो चीजें सीखनी चाहिए थी वो आपने सीखी। तो फिर मृत्यु के समय में कोई भी रिग्रेट्स, कोई भी ग्लानी, कोई भी परेशानी नहीं बन जाती है। और मेरे डेथ सेशन में मैंने कहा है कि अपने मृत्यु को प्लान करें, और अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को ये बताएं कि किस तरह से आप जाना चाहते हैं, किस परिस्थितियों में जाना चाहते हैं, और उसी तरह से उन्हें रेडी करें इस चीज के लिए। और फिर जब मृत्यु हो जाती है, जब हम शरीर छोड़ देते हैं, तो बहुत हल्कापन महसूस होता है। और आफ्टर लाइफ में ये होता है कि हम कुछ पल तक हम ये समझ नहीं पाते कि ये हमारे साथ हुआ क्या, क्योंकि हम इतने ज्यादा आदि हो जाते हैं अपने ग्रॉस बॉडी से कि हमको ऐसा लगता है कि हम सस्पेंड हो चुके हैं। और फिर कुछ पलों के बाद या कुछ मोमेंट्स के बाद हमें ये रियलाइज होता है कि हमने ये बॉडी छोड़ दी है। और ये अगर आप अवेयरनेस के साथ बॉडी छोड़ रहे हैं, अवेयरनेस लव साइकोलॉजी या लव कॉन्शियसनेस से बॉडी छोड़ रहे हैं, तो ये नहीं होगा आपके साथ, और आप बहुत इजीली जो है वो ट्रांसेंड कर जाएंगे, बहुत इजीली वो ट्रांजिशन होगा आपका। और आप वहां जब आफ्टर लाइफ होता है तो आप पूरी की पूरी तरह से देख पाते हैं क्या हो रहा है आपके मृत शरीर के आसपास, कौन है, किस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं, आपको अपने मृत शरीर को देखकर क्या महसूस हो रहा है, ये सब कुछ आप वहां से देख पाते हैं। और वहां से आप पूरी अपनी जिंदगी को जो है रिव्यू करते हैं, जैसे हम
एक एग्जामिनर की तरह हम एग्जाम पेपर को देखते हैं, वैसे ही अपनी जिंदगी को हम खुद रिव्यू करते हैं, और उस समय जो हमारे मन में चल रहा होता है वो ज्यादातर वही डिटरमिन करता है हमारे आगे के सोल प्लान्स ज्यादातर, क्योंकि हमें अपने लाइफ में क्या रिग्रेट्स रहे, क्या हम चेंज करना चाहते थे, क्या हमें बेहतर करना था, क्या किस किन चीजों से हम बहुत खुश हुए, ये सब कुछ उन पलों में होता है। और इस समय में हमारे थॉट्स जो है, हमारी जो मनस्थिति है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे, जैसे मैंने गाइड किया था मेडिटेशन में, हमारे स्पिरिट गाइड्स आते हैं हमारे पास और वो हमारे साथ मिलकर हमारे पूरे लाइफ को रिव्यू करते हैं, जो लाइफ चली गई है उसको रिव्यू करते हैं, और जो भी हमारे पास प्रश्न होते हैं हम अपने स्पिरिट गाइड से पूछते हैं, और कोई भी परिस्थिति में आपके स्पिरिट गाइड आपसे गुस्सा नहीं होते, वो हर एक परिस्थिति में आपको पूरी तरह से प्यार से आपको गले लगाते हैं। आपने जितनी भी गलतियां की हो अपनी जिंदगी में, जितने भी क्राइम्स किए हो, जितने भी बदमाश हो आप, उसके बावजूद आपको वहां पर प्यार ही प्यार मिलता है, वहां पर आपको जज नहीं किया जाता, क्योंकि ये उनकी जिंदगी नहीं आपकी जिंदगी है, तो उनको ऐसा है कि आपने जो भी किया वो बेस्ट किया, आपने जो भी किया वो सबसे अच्छा किया, और बहुत प्यार से आपको वहां पर रिसीव किया जाता है। फिर जो है रेस्टिंग पीरियड स्टार्ट होता है, कुछ समय तक आपका जो आपकी जो सोल है, आपकी आत्मा है, वो रेस्ट करती है, क्योंकि वो ट्रांजिशन फेज में है और पूरी तरह से उसने अपनी एथरिक बॉडी को जो है वो महसूस नहीं करा है, अच्छे से यूज टू नहीं हुए, क्योंकि बहुत स्थूल होता है, बहुत सटल होता है, लाइट होता है, कोई फॉर्म नहीं होता, तो वो उसे महसूस करने के लिए टाइम लगता है, रेस्टिंग टाइम होता है, रेस्ट करने के लिए अलाउ किया जाता है आपको। और जब आप रेस्टेड होते हैं, जब आप आपकी थकान जो है वो हट जाती है, तो फिर हम नेक्स्ट जो आगे के प्लान में लग जाते हैं, अपनी कमेटी के साथ, अपने सोल ग्रुप के साथ, अपने जो है आसपास जितने भी लोग हैं, जितने भी लाइट बींग्स हैं, उनके साथ हम वापस से उस प्रोसेस में जो है वो जुट जाते हैं। तो ये जो शरीर है ये हमने पृथ्वी से लिया है, करेक्ट? सो हमने एज फूड एज वाटर हमने शरीर को छोड़ा है। जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं तो माँ के तरफ से हमें खाना मिलता है और पंच तत्वों से जो है हमारा शरीर बना हुआ है, और शरीर जो है अगेन वो पंच तत्वों में विलीन होता है, पंच तत्वों में हमें छोड़कर जाना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम खत्म हो जाते हैं, वी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट नो मैटर व्हाट। हम सिर्फ शरीर जो है लाइक जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हमारी जिंदगी में आते हैं, तो वो प्लेटफॉर्म्स जो है वो हमारी जो प्रेजेंट लाइफ या नेक्स्ट लाइफ होती है, लेकिन हमें सफर पर आगे बढ़ना होता है और सीखते जाना होता है। वहां पर अगेन इट डिपेंड्स, अगर आपके बहुत ज्यादा कार्मिक बैलेंसेस हैं, अगर बहुत कार्मिक डिस्टर्बेंस है, तो आप कुछ समय ज्यादा बिताते हैं ट्रांजिशनिंग फेज में और आपको तकलीफ होती है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सटल या ग्रॉस एनर्जी से जुड़े हुए हैं, अपने रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा एंटैंगल्ड हैं, और स्पेशली अनटाइमली डेथ्स में ऐसा होता है जब प्रिपेयर्ड नहीं होती सोल कि उन्हें डेथ लेना है, और बहुत यंग डेथ्स में या अनटाइमली डेथ्स में, या जहां पर कार्मिक बैलेंस बहुत ज्यादा है, जहां पर अंत समय में उस इंसान ने बहुत अपनी जिंदगी को कोसा है और कहा है कि कैसी जिंदगी रही है, और अपने बच्चों से वो परेशान है, या अपने आसपास के परिवार से परेशान है, या बहुत ज्यादा अनकंटेंटेड जो लोग जिनका ट्रांजिशन होता है वो बहुत हेवी कार्मिक बैलेंस के साथ जाते हैं, तो उनको कुछ समय ज्यादा लगता है ट्रांजिशन करने में, स्पिरिट गाइड्स तक पहुंचने में, और वो भूवर लोक में थोड़ा समय बिताते हैं, और स्वर्ग लोक पहुंचने के पहले दे स्पेंड अ लिटिल टाइम ताकि वो देख पाए, समझ पाए उनके कार्मिक बैलेंसेस को, वो थोड़ा सा जो है बैलेंस कर पाए ताकि वो आगे बढ़ पाए, और फिर स्पिरिट गाइड्स के साथ मिलकर अगेन हम वो सोल प्लानिंग के स्टेज पे आ जाते हैं, जहां पर हम फिर से हमारे संचित कर्म देखते हैं और उनमें से क्या हमने हील करे हैं वो हम कैंसिल कर देते हैं, फिर जो संचित कर्म हमारे पास बचते हैं उनमें से फिर हम अपने लिए प्रारब्ध चुनते हैं, और फिर नेक्स्ट लाइफ टाइम के लिए तैयारी करने की जो है वो स्टार्ट हो जाती है। कुछ इंस्टेंसेस में ऐसा होता है कि हम बहुत समय तक जो है लाइफ बिटवीन लाइफ्स में रहते हैं,
वो बाय चॉइस होता है, वो बाय हमारे चॉइस होता है। जब हम लाइफ बिटवीन लाइफ्स में बहुत समय तक रहते हैं, और ये ज्यादातर ओल्ड सोल्स के साथ ही होता है जो उनको चॉइस दी जाती है कि वो लाइफ बिटवीन लाइफ्स में ज्यादा समय बिता सके, क्योंकि वहां पर भी काम हो रहा होता है, वहां पर भी कोई गाइड्स हैं, कोई मेंटर्स हैं, कोई जो है आपके आपसे ऊपर कोई वहां पर है, तो वहां पर भी आप एक हेल्पिंग हैंड की तरह वहां पर काम करते हैं, वहां पर आप अपना योगदान देते हैं। सो ये सब कुछ जो है, ये काम जो यहाँ पर कर रहे हैं वो उस प्लेन में भी चलता है। सो यू बाय चॉइस आप लाइफ बिटवीन लाइफ में ज्यादा दिन तक, ज्यादा समय तक रह सकते हैं, दिन तो वहां पर होते नहीं है, सो समय तक रह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर किन्हीं कल्चर्स में, लाइक बुद्धिज्म में ये कहा जाता है कि 49 डेज में बाडो वर्ल्ड बोलते हैं इसे, और 49 डेज में हम वापस आ जाते हैं। हमारी जो सनातन धर्म में कहते हैं कि 3 साल लगते हैं एक, जब जैसे पितरों में उनको मिलाया जाता है तो 3 ईयर्स का टाइम होता है, तो 3 ईयर्स लगते हैं एक आत्मा को वापस से शरीर लेने में। और अलग अलग जो रिलीजन है या अलग अलग जो थॉट प्रोसेस है वो अलग अलग टाइम फ्रेम्स बताती हैं। सो इट इज जस्ट एन एस्टिमेशन कितना समय लगता है, इट टोटली डिपेंड्स, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितना समय वहां पर जो है बिताना है नेक्स्ट लाइफ के लिए। यहाँ हम जितना भी परेशान हो अपनी जिंदगी से, जितना भी हम अपनी जिंदगी को कोस रहे होते हैं, जैसे ही हम यहाँ से एग्जिट करते हैं हमें वापस आने की जल्दी मच जाती है, हमें ऐसे लगता है कि बस अब जल्दी जाना है, क्योंकि इतना काम पेंडिंग है और इतना काम हम छोड़कर आ गए, हमने करा नहीं तो वापस जाकर फटाफट हमें करना है। सो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जब आप यहाँ पर हो तो प्लीज उसे वैल्यू करें, प्लीज उसे जो है पूरी तरह से जिए। जो भी हो रहा है आपके साथ, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा होगा तो ही जिंदगी अच्छी है, जो भी हो रहा है आपके साथ उसे पूरी तरह से जिए, ताकि आप जब वहां पर जाएं और वहां पर जब आप अपनी लाइफ को देखें तो आपको रिग्रेट्स ना हो कि आपने जो है पूरी तरह से अपने 100% को दिया नहीं, और आपको रिग्रेट्स ना हो कि आपने अपनी जिंदगी पूरी तरह से जी नहीं, और जो काम आपने अपने लिए तय किया था वो आपने कंप्लीट नहीं किया। So, थोड़े बहुत रिग्रेट्स तो आप 100% भी काम करेंगे तो भी रह जाते हैं, लेकिन ज्यादा रिग्रेट्स ना हो, ज्यादा आपको ये ना लगे कि मैंने वेस्ट कर दिया मेरा लाइफ, मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, मैंने अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, मैंने अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कुछ नहीं किया। सो लेट्स एम टू लिव अ लॉन्ग लाइफ, लेट्स एम टू लिव ईच मोमेंट विद अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड, विद अ लॉट ऑफ लव, और लेट्स एम टू लिव एवरी मोमेंट सो दैट जब हम मर रहे हो, जब हमारे डाइंग मोमेंट्स हो, तो हमारे पास रिग्रेट्स ना हो, हमारे पास फियर ना हो, हम बहुत इजीली जो है ट्रांजिशन कर जाए, और बहुत इजीली हमारा जो नेक्स्ट जो लाइफ है वो हम प्लान कर पाए। सो या सो नाउ मेरी तरफ से आज का शेयरिंग इतना ही था। वी विल ओपन द सेशन फॉर क्वेश्चंस, और पहले मैं आज चैट बॉक्स के क्वेश्चंस जो भी लिखे हैं वो ले लेती हूँ अभी तक के, उसके बाद एक शेयरिंग करना था स्नेहा जी। yes. जैसे आज इन्होंने बताया आफ्टर लाइफ के बारे में, तो ये बहुत अच्छी बुक है, ये सिर्फ अमेरिका के में ही है अवेलेबल, इंडिया में नहीं आई है, तो आपको मंगाना पड़ेगा अमेजोन से। इसी का ट्रांसलेशन मैं कॉपीराइट ले रही हूँ, और जिस दिन मुझे कॉपीराइट मिल जाएगा उस दिन से मेरा स्टार्ट हो जाएगा। बहुत प्यारी बुक है ये, आर मैग्निफिशेंट आफ्टर लाइफ, पूरे स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में बताया है कि किस तरीके से वहां पे हम रहते हैं, क्या क्या सीखते हैं, वहां की मिट्टी कैसी है, वहां का पानी कैसा है, इतना ब्यूटीफुल है। अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि जल्दी से यहाँ पे रिहाई हो, बहुत अच्छी दुनिया है जिसको छोड़ के हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। Yes. तो जल्दी जल्दी पढ़ाई करें ताकि परमानेंट छुट्टी हो जाए, ग्रेजुएशन करके चले जाए, क्यों बार बार आना यार स्कूल में। तो ब्यूटीफुल बुक है, तो आप लोग मंगा सकते हैं अमेज़न से। थैंक यू स्नेहा जी, बहुत अच्छा था। तो क्वेश्चंस ले, थैंक यू। या इसमें अगर कुछ है तो